केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 540 मेगावाट की क्वार पन बिजली परियोजना को स्वीकृति दी। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 5 मई से सुनवाई करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ अब राज्य के गीत को भी गाने और बजाने की सैद्धांतिक अनुमति दे दी है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 66वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा 18 मई से आयोजित होगी, 22 जून तक साक्षात्कार चलेगा। यूजीसी ने बिहार में सिर्फ नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय को ही सत्र 2021-22 के लिए डिस्टेंस कोर्स चलाने की अनुमति दी है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2022 29 मई को आयोजित होगी, 2 मई तक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। राज्य के सभी निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों के स्वास्थ्य की निशुल्क जांच की जाएगी। जदयू की ओर से आज पटना के हज भवन में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने अशोक राजपथ स्थित खुदा बख्श लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को इस साल आयोजित होने वाले 75वें कॉन फेस्टिवल में ज्यूरी सदस्यों में शामिल किया गया है।